चलो भाई अब चलें। बलराज जो कुछ हो रहा है सब तुम्हारा ही फायदा है। माया माया करते रहते हो। माया को हमारे वार्ड की तरफ से म्युनिसिपैलिटी का मेंबर बना दिया। याकूब चाचा बात क्या है? बेटा वो ऊंचा नगर का गंदा नाला था ना, वो अब इस तरफ से निकलेगा। किसके हुक्म से? म्युनिसिपैलिटी के हुक्म से। म्युनिसिपैलिटी के प्रेसिडेंट सरकार जी के हुक्म से? सरकार जी की बेटी माया के हुक्म से। आया समझ में? आया गुस्सागल में। सरकार जी से मिलकर बात करनी चाहिए। उस बेईमान का तो नाम न लो, की कोठी जला दो। उसे मार मार के बुरकत निकाल दूंगा। और कहीं का चक्का वो उसको तो करो। बलराज ठीक कहता है, लड़ाई से कोई फायदा नहीं। सरकार जी से जरूर बात करनी चाहिए। आओ बलराज। आया ख्याल है शरीफ में। मैं इस वादी में नई तर्ज की इमारतें बनवाना चाहता हूं। अभी इस वादी में दलदल है,
हमारे शहर ऊंचा नगर के सब नाले और नालियां बड़े नाले में गिरते हैं। बड़ा नाला जाकर इस वादी में गिरता है और इसके पानी से वादी में दलदल रहती है। अगर बड़े नाले का रुख किसी और तरफ को मोड़ दिया जाए तो दलदल सूख जाएगी और मकानात के लिए बहुत अच्छे टुकड़े निकल आए। सवाल यह है कि नाला मोड़ा किधर जाए। हमारा शहर इधर तीन तरफ से ऊंचे पहाड़ों से गिरा, चौथी तरफ 1000 फुट नीचे नीचा नगर। मेरा ख्याल है कि नाला पहले इधर ही से गुजरता था, इसलिए अगर फिर इसे उसी तरफ मोड़ दिया जाए तो क्या हर्ज है। मेरे इंजीनियर कहते हैं कि रास्ता साफ करने में 6 महीने से कम नहीं लगेंगे। मैं चाहता हूं कि ये काम जल्द से जल्द हो जाए, इसीलिए आपको बुलाया। तो नाला कौन मोड़ दीजिए मिस्टर सरकार, तो अपना रास्ता खुद साफ कर लेगा। बात तो ठीक मालूम होती। हाँ इंजीनियर साहब ठीक है, लेकिन रास्ते में इतने मकान जो पड़ते हैं। उनकी फिक्र न कीजिए माया देवी, वो अपनी देखभाल खुद कर लेंगे। पिताजी अगर नाला नीचे नगर से जाए तो उसको ऊपर से ढका हुआ होना चाहिए। नाले के ढकने में जो सर्फ होगा उससे इन इमारतों की 4 गुना इमारतें बन सकती हैं। बेटे अगर ये काम अब न हुआ तो फिर कभी नहीं हो सकेगा। क्यों? नीचा नगर वाले शरारत पर आमादा है और हमारे मजदूरों को रास्ता साफ नहीं करने देंगे। शरारत पर आमादा है? देखा माया देवी, वो चाहते हैं कि रास्ता साफ किए बगैर नाला उधर मोड़ दिया जाए, वही तो मैं कहता हूँ। फिर बेचारे नीचा नगर वालों को घर छोड़ छोड़ भागना पड़ेगा। माया तुम्हें नीचा नगर वालों के गंदे गंदे मकान और टूटे फूटे झोंपड़े अच्छे मालूम है, क्या बुरा रहेगा अगर वहां भी साफ सुथरी इमारतें बन गई। हाँ बुरा तो न रहेगा, मगर हम यहाँ मकानात बना कैसे सकते हैं जब तक कि नीचा नगर वाले जमीन खाली न करें। नीचे नगर का लोग आया है। मैं मारूंगा जरूर। हाँ जरूर गला घोट दूंगा। खबरदार बलराज दबकर बात न करना। बलराज आप माधव हमें बड़े मजे की बात सूझ गई। वो क्या? हमारे ख्याल में सरकार जी से अंग्रेजी में बात करना चाहिए ताकि वो भी समझे कि हाँ। ख्याल तो अच्छा है। पान सिगरेट लाओ, अजलात तशरीफ रखिए, कुर्सियां हाजिर हैं। तो क्या बात है? हजरा तकल्लुफ न फरमाइए।
आप बताएं क्या शिकायत है? नाला हमारी तरफ से। आप बताएं। हजूर नाला नीचे नगर से। But you see what I want, so you see what I mean that the daddy वाला should not go there, you see. Yes, very good. बलराज साहब आप बताएं। इतनी जबानों से सुनकर भी आपको पता नहीं चला कि क्या बात है? आप फरमाइए हकीम याकूब खान साहब। जरा यह तो बताइए नाला हमारी तरफ क्यों आ रहा है? डॉक्टरों का ख्याल है कि अगर वादी में दलदल कुछ दिनों और रही तो सारा शहर बीमारियों का शिकार हो जाए। तो ये काम सारे शहर के फायदे के लिए हो रहा है? बेशक। सरकार जी क्या ये सही नहीं कि आपने वादी की सारी जमीन सस्ते दामों खरीद ली है और अगर वहां की दलदल सूख गई तो आपको करोड़ों का फायदा होगा? हकीम याकूब खान साहब, नाला शहर को बीमारियों से बचाने ही के लिए तो मोड़ा जा रहा है। बहुत और इस मसले पर दोबारा बातचीत हो सकती है। आप हजरात में से दो एक नुमाइंदे परसों यहाँ चले आए तो ये सब बातें तय हो जाएंगी। आप चले आइए और सागर साहब तशरीफ ले आए। हाँ बलराज साहब भी चले आए। आप हजरात तशरीफ ले जाए। दिल में समा के नहीं भूलना और नहीं भूलना, दिल में समा के नहीं भूलना और नहीं भूलना, पखिया मिला के नहीं भूलना वो नहीं भूलना, पखिया मिला के नहीं भूलना वो नहीं भूलना, किराहा के याद मेरा दिल न जलाए, छोटी सी प्रीत मेरी धोखा न खाए, बिरहा के याद मेरा दिल न जलाए, छोटी सी प्रीत मेरी धोखा न खाए, अपना बना के नहीं भूलना वो नहीं भूलना, अपना बना के नहीं भूलना वो नहीं भूलना, ऐसी बता दो, ऐसी बता दो कुछ जीने के लिए, ऐसी बता दो कुछ जीने के लिए, जीत मेरी हार बने, हार बने जी, जीत मेरी हार बने, हार बने जी, ये सब बता के नहीं भूलना वो नहीं भूलना, ये सब बता के नहीं भूलना वो नहीं भूलना, भूले से छूटे ना हाथों से हाथ, ना गंती बंद कहीं काटे जरा, भूले से छूटे ना हाथों से हाथ, ना गंती बंद कहीं काटे नरा, इंदिया चूरा के नहीं भूलना वो नहीं भूलना, निंदिया चूरा के नहीं भूलना वो नहीं भूलना, दिल में समा के नहीं भूलना वो नहीं भूलना, अखियां मिला के नहीं भूलना वो नहीं भूलना, बिरहा की याद मेरा दिल न जलाए, छोटी सी प्रीत मेरी धोखा न खाए, बिरहा की याद मेरा दिल न जलाए, छोटी सी प्रीत मेरी धोखा न खाए, अपना बना के नहीं भूलना वो नहीं भूलना, अपना बना के नहीं भूलना वो नहीं भूलना, वो नहीं भूलना। भाई साहब भैया अभी तक नहीं लौटे। बलराज गधा है, जहाँ किसी ने जोश दिलाया कि आप इसे बाहर हो गया, जरा नहीं देखता कि कौन आदमी है, किस पोजीशन का है, और एक से भी जाता है,
गया है सरकार से लड़ने, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगुआ तेली। तो भाई साहब गंदा नाला निकल आने गए थे। बलराज इतनी बड़ी बारात लेकर गया, क्या उसे सरकार डर जाएगा और नाला न निकालेगा? ऐसी बातों से कुछ नहीं होता रूपा, और अगर नाला आया भी तो हमारे घर से तो दूर रहेगा। बनाई सवारी पिछवाड़े डाली, तुम ना बताना, तुम जानते हो। बना सवार का पिछवाड़े डाल दिए जाते हैं। बच्चों नहीं मचाओ, चलो बाहर चले। वो तो रूपा चली आ रही। भैया क्या हुआ? कुछ नहीं, सरकार जी ने परसों बुलाया। मुझे नहीं बुलाया रूपा। तुमको भी? तो परसों क्या होगा? होगा क्या, मुझे तो कुछ भी उम्मीद नहीं। सरकार जी आदमी बड़ा ही चालाक। पर तुम तो मिलने का मौका ही नहीं देती हो। कैसे मिलूं? फिर मुझे चुपकर मिलना भी तो अच्छा नहीं लगता। तुम मेरी तमाम आरज़ूओं और उम्मीदों की क्षमा बन गई। मैं काम करूं या खाली बैठूं या अपनी आने वाली जिंदगी को सोचूं कि कैसे कैसे दिन गुजरेंगे, तो तुम साथ नजर आती हो। मैं तो तुम्हारी हूँ ही। हाँ हो तो, मगर कहाँ हो जाओगी, देखें कब वो दिन आता है। अरे देखो तुम्हारे लिए एक चीज लाया। अरे नहीं, होंठों पे लगाई जाती। बहुत अच्छा लगता है। हसरत तो यह है कि तुम्हें रानी बना के रखूं, कोठी हो, मोटर हो, बाग हो, मगर अफसोस यहां तो भी कुछ ही नहीं। कैसी भोली बातें करते हो, कैसी भोली बातें करते हो। दुनिया में रुपया ही सब कुछ नहीं होता। तुम माया को नहीं समझती हो। मैं लड़की हूँ इसलिए माया का दिल तुमसे ज्यादा अच्छी तरह समझती हूँ। माया बड़ी समझदार लड़की है, वो तुम्हारी बात जरूर मानेगी, उसे तुमसे अब भी प्रेम है। वो दिन बीत गए, खैर छोड़ो इस बात को, अभी तो गंदे नाले का झगड़ा चुकाना है। इस बात में माया को हमारी मदद करनी चाहिए। अगर तुम कहोगे तो भला क्यों ना करेगी। नहीं रूपा, तुम माया को नहीं समझी हो। उसका दिल जरूर प्रेम का मंदिर है, लेकिन दिमाग बनिए का वही खाता है। अगर यूं ही माया की बातें करते रहो तो शायर बन जाओ। हजूर, हजूर, मुझे पूछ रहे हो? जी क्या है? सरकार जी ने आपके लिए खत भेजा है। आऊंगा, जरूर आऊंगा। तुम चलो, मैं ही आता हूं। अब कमू, ओ कमू, अबे कहां मर गए कुत्ते के बैठे। और चाय? शुक्रिया। वो तो कहिए, लोगों ने नाम धरने को इसे नाला कहना शुरू कर दिया, वरना कहाँ का नाला और कहाँ की गंदगी। अरे साहब, वो तो अच्छी खासी नहर है। अलबत्ता जहाँ पानी बहता है वहां थोड़ा बहुत कूड़ा करके साथ बहकर आ ही जाता, और अगर ऐसा हो भी तो जो माइल कुचैल है वो रास्ते में तह पर बैठकर रह जाएगा, और नीचा नगर साफ सुथरा पानी पहुंचेगा। चराहे मवेशियों को पिलाएंगे, धोबी कपड़े धोएंगे और किसान खेतों को पानी देंगे। और अगर थोड़ी बहुत गंदगी फैल भी गई तो हम अपने आदमियों से साफ करा लेंगे। नहीं सागर साहब,
हम ये नहीं चाहते कि नहर की वजह से जरा भी गंदगी फैले, बल्कि हमारी ख्वाहिश तो ये है कि अगर हमें कोई दयानतदार और मेहनती आदमी मिल जाए तो नहर की सफाई की तमाम जिम्मेदारी उसके सुपुर्द कर दी जाए। म्यूनिसिपैलिटी इस काम के लिए 300 रुपए माहवार देने के लिए तैयार। तो फिर सागर साहब आप क्यों नहीं? हाँ, अगर सागर साहब मान जाए तो क्या ही कहना है जी। ये तो अपने लोगों की सेवा करना है और आपको हुक्म बजा लाना है, भला मैं कैसे इनकार कर सकता हूँ। हो सागर साहब, तो ये बात तय हुई? जी हाँ। आप बलराज को भी क्यों नहीं समझाते पिताजी? इन पिलों में तेल नहीं। आप बलराज जी को क्यों नहीं समझा? जी के खच्चर भी मरने से घोड़े बनते हैं। ये हम ही थे जो बात समझ गए। कोशिश कर देखिए। मैं जी मेरे मान का नहीं। अच्छा, उन्हें मेरे पास भेज दीजिए। वही जो रोज खाते हैं, चिकन सैंडविच और कॉफी। हाँ, कॉफी अच्छी गर्म हो जी। अरे भाई जोसेफ जरा जल्दी लाना, हमें जाना है। फिर ये आखिरी मुलाकात है। तुम अपनी मजबूरियों और कमजोरियों का शिकार बन रही हो। बलराज, माया, सागर न जाने कहां चला गया है। बलराज भाई तुम लोग आए नहीं, सागर न जाने कहां खर्च हो गया है। कहां जा सकता है? सरकार जी आखिर कहेंगे क्या? बात टालने की कोशिश करेंगे। हेलो, हाउ डू डू, माफ कीजिएगा मुझे जरा देर हो गई, मगर मैं सब तय कराया हूं। आप कोई फिक्र न कीजिए, सब काम बन गया। क्या तुम आप तय कराए? आप सरकार जी से मिलने गए थे, नाला इधर नहीं आएगा। नाला क्या, नहर है, धोबी कपड़े धोएंगे, किसान खेतों को पानी देंगे, चरवाहे मवेशियों को पिलाएंगे, और अगर गंदगी हुई भी तो सफाई का इंतजाम तो अपने हाथों में है। निकल जाओ यहाँ से। भैया। अरे वाह, निकल जाओ। याकूब चाचा देखिए ना, मैंने क्या बुरा किया? नाला जैसे निकल कर रहेगा, न उसे मैं रोक सकता हूँ, न सब नीचे नगर वाले मिल जाओ। दगाबाज बेचा है अपने आप को। यही बात थी जो सरकार जी हमसे कहना चाहते थे। दो बातें मैं भी उससे कर रहा हूँ। बलराज बलराज बलराज,
रूपा, जो कुछ मैंने किया है तुम्हारे लिए किया है। अब तुमको सचमुच की रानी बनाऊंगा। कोठी होगी, नौकर होंगे, कुछ दिनों तक कार भी आ जाएगी। रूपा, क्या तुम भी मुझे बुरा समझती हो? रूपा मेरी तरफ देखो, मैंने क्या बुरा किया रूपा? हजारों आदमी सरकारी के मुलाजिम है भाई, मुझमें हिम्मत नहीं है सरकारी का मुकाबला करने की। मैं घर चाहता हूँ, बीवी बच्चे चाहता हूँ। रूपा रूपा रूपा, मिस्टर सरकार, आप बिला इजाजत अंदर क्यों चले आए? जब तक के नीचा नगर का एक आदमी भी जिंदा है, नाला हमारी बस्ती से नहीं गुजर सकता। तुम बिला इजाजत अंदर क्यों चले आए? नाला हमारी बस्ती से नहीं गुजर सकता। मैं आपकी सब चालें समझता हूँ। आप पैसे से हमारा ईमान, हमारी जमीन, हमारी तंदुरुस्ती सब खरीदना चाहते हैं, मगर याद रखिए, ऐसे दिल भी हैं जो आपके फंदों में नहीं फंस सकते। खामोश। अब खामोशी का जमाना गुजर चुका। खामोश बदमाश, चपरासी, इसे बाहर निकाल दो। याद रखिए सरकार जी, ये सारा कमान निकाल दो। आप जैसे बदकार निकाल दो। चार बहुत निकाल दो। नाला नीचा नगर में निकल गया हो? दलदल का पानी भी, दलदल का पानी भी नाले में जा रहा। बहुत खूब इंजीनियर साहब। एक बंबई के एजेंट को लिखो कि 90 लाख रुपए का फौरन इंतजाम करो। ऐसा ही एक कार कलकत्ते के एजेंट को लिखा। उठो, हमें वक्त की गर्दिश ने पुकारा है। उठो कि हमें वक्त की गर्दिश ने पुकारा। हमें वक्त की गर्दिश ने पुकारा। करती है ये रौंदी हुई तारे, मजबूर है खामोश निगाहे, सूखे हुए होठों ये आहे, उजड़ी हुई बस्ती को मिले कोई सहारा, उजड़ी हुई बस्ती को मिले कोई सहारा। तो कि हमें वक्त की गर्दिश ने पुकारा। हमें वक्त की गर्दिश ने पुकारा। हंसते हुए खेतों में उगे भूख के पौधे,
बुरे हुए नहरों में बिलकते हुए बच्चे, इंसान के बेटे पले इंसान के घूमते। तब तक भला होगा ये जमाने को गवारा, हमें वक्त की गर्दी से पुकारा, क्योंकि हमें वक्त की गर्दी से पुकारा। इंसान के ऐलान से दुनिया को जगा दे, सूखे हुए होठों को नए राग सिखा दे, तहजीब की लाजों में नई जिंदगी भर दे, उजले हुए इंसान को इंसान बना दे, उजले हुए इंसान को इंसान बना दे। उठो के दुखों से न कहीं वक्त की तारा, उठो के दुखों से न कहीं वक्त की तारा, क्योंकि हमें वक्त की गर्दी से पुकारा, क्योंकि हमें वक्त की गर्दी से पुकारा। जागी हुई राहे नई मंजिल को बढ़ेगी, जागी हुई राहे नई मंजिल को बढ़ेगी, हर दिल को नए जोश से आबाद करेंगे, हर दिल को नए जोश से आबाद करेंगे। खामोश निगाहें नहीं खामोश रहेगी, खामोश निगाहें नहीं खामोश रहेगी, आजाद है आजाद है आजाद रहेंगे, आजाद रहेंगे आजाद रहेंगे। मरना भी हमारा है तो जीना भी हमारा, मरना भी हमारा है तो जीना भी हमारा। आप लोगों का ने उसकी हिम्मत बढ़ाई। आप क्या काम करते हैं सागर साहब? किस बात के मुलाजिम हैं आप? नाले की सफाई, नाले की सफाई। आपका काम था नीचा नगर के बदमाशों की खबर लेना। माधव जी आप क्या करते हैं? आपको 1000 रुपया खर्च करके म्युनिसिपैलिटी का मेंबर बनाया गया है। क्यों? आपका फर्ज था कि इस लफंगे बलराज और इसके हमराहियों को रास्ते बता, उल्टा आए हैं मुझे समझाए। काम नहीं हो सकता तो चले, मगर याद रखी, सरकार एक दिन में नीचा नगर वालों को बता सकता है कि उनकी हकीकत क्या है। चले जाइए। मेरे ख्याल में नीचा नगर वालों का पानी काट दो, फिर खुद ही सरकारी की खुशामद करने आएंगे। हाँ ठीक है, ठीक है ना। बैठो बेटी। कल से आज तक नीचा नगर में 25 लोग और बीमार पड़ चुके हैं। हाँ बेटी, मैं उनको देखकर और दवा देकर आ रहा हूँ। इस रोग में प्यास बहुत है, बीमारों की तादाद बढ़ती जा रही है। पानी पिलाना बेटी। या कुछ चाचा, हमारे बच्चे को बड़े जोर से बुखार चढ़ा है, आंखियां नहीं खोलत है, आओ बहुत बकत है याकूब चाचा। चलो बेटी। कहिए पानी लाती हूँ याकूब चाचा। वहीं चल के पी लेंगे बेटी। मैं भी आपके साथ चलती हूँ। तो कब है? बलराज तुम शामों के यहाँ हो आना, बेचारा बहुत बीमार है, तुम्हें याद करता था। जी मैं अभी जा रहा हूँ। पानी अभी लाती हूँ। पानी
पानी आ रहा है बेटा। रूपा पानी जल्दी लाओ। रूपा जी, कोई दवा हो तो जल्दी लाना। अभी लाए। मुंह खोलो बेटा, पानी दो। अभी लाती हूँ। अभी लाई नहीं पानी? रूपा रूपा पानी जल्दी। पानी नहीं है। पानी नहीं है। नगर में खबर उड़ा दी है कि नीचा नगर में छूत की बीमारी है। चश्मों में भी नाले का गंध है, कुओं में भी। बलराज तुम जाकर मायादेवी से बात करो ना। हाँ बलराज, तुम्हें जाना चाहिए। मैं भी म्यूनिसपैलिटी में जाकर किसी से मिलने की कोशिश करूंगा। इतने में वो पहाड़ी पर जो चश्मा है वहां से पानी क्यों ना लाया जाए। जन्म से क्यों घेरे हैं
जन्म जन्म से क्यों घेरे आंखें तरह खुशी नहीं है आंखें तरह खुशी नहीं है अपनी नगर नगर नहीं है अपनी नगर नगर नहीं है कब तक ये दुख कहते रहे कब तक सुख के मौत रहेगी कब तक जुल्म की घात रहेगी कब तक गहरी डाल रहेगी लतीफा है माया जी आपने मेहमानदारी तो खूब की लेकिन एक कमी रह गई फरमाइए आपने गाना नहीं सुनाया माफ कीजिएगा मेरी आवाज कुछ बैठी हुई ऐसा साफ तो आप बोल रही हैं बिटिया राजकुमार जी फरमाइश कर रहे हैं जी अच्छा हजूर बलराज जी आए हैं माफ कीजिएगा बिटिया उसे इंतजार करना पिताजी बात बहुत जरूरी होगी शायद तो उन्हें यहाँ बुला लीजिए अच्छा तो जल्दी से जाकर उसे मिलकर वापस चले आओ मैं समझता था कि शायद आप पार्टी से उठकर ना आते जी हाँ आज पिताजी ने राजकुमार के लिए पार्टी दी यूं ही पार्टी दी जी हाँ जिन्हें वो मेरा गाना उनको सुनाना चाहते थे ये बात तो सुनाया आपने सुनाने जा रही थी कि आपका बुलावा आ गया माया आप कुछ कहना चाहते हैं हाँ कहना चाहता था कि आप लोग रंगरलियां मना रहे हैं मल्हारें गा रहे हैं और आपके चंद कदम के फासले पर हजारों इंसान मुसीबतों में तड़प रहे हैं हमने फरियादें की खुशामदें की मगर आपके पिताजी के कान पर जूं तक नहीं रहेंगी वो जालिम वादी से नाला हटाकर कई इमारतें बना चुका है और अब उसकी आमदनी से रंगरलियां मना रहा है गरीबों के खून से होली खेलता है नीचा नगर के सब लफंगे हम लफंगे हैं ये वो लफंगे हैं जिन्होंने कई बीमारों और बच्चों को प्यास से मार दिया है नीचा नगर में पानी की एक बूंद नहीं क्योंकि आपके शरीफ पिताजी ने नल कटवा दिया है ऐसा नहीं हो सकता ऐसा नहीं हो सकता मैं अभी पिताजी से जाकर पूछती हूँ क्या ये खबर ठीक है कि आपने नीचा नगर वालों का पानी बंद कर दिया है पानी बंद कर दिया है मैंने मुझे नहीं खबर सागर साहब ये सर ये हजूर ये मैं क्या सुन रहा हूँ नीचा नगर वालों का पानी बंद कर दिया गया है पानी हाँ जी मुझे तो खबर नहीं शायद बंद हो गया हो हाँ साहब बात दरअसल ये है कि वहाँ नल की जरा मरम्मत यानी के बात ये है कि हाँ हाँ मैं समझता हूँ मगर नल की मरम्मत बहुत जल्द हो जाना चाहिए शिकायत का मौका क्यों देते हैं आप तो ये बात दुरुस्त है सुना है वहाँ कोई बीमारी फैल रही है कहते हैं कई बीमारी नाले की वजह से फैल रही है बीमारी क्या बकवास कर रहे हो नाला इसे नाला कौन कहता है ये तो नहर है बीमारी फैल रही है बीमारियां तो फैला ही करती हैं अगर नहर ना होती तो बीमारी ना फैलती
बीमारी की रोकथाम जरूर होनी चाहिए। राजकुमार जी, बीमारी की रोकथाम तो भगवान ही कर सकते। ये जो मैं इमारतें बनवा रहा हूँ, किस लिए बनवा रहा हूँ? इसीलिए कि इनका पैसा गरीबों के काम आए। हाँ, बीमारी की रोकथाम तो होनी ही चाहिए, जरूर होनी चाहिए। सागर साहब, मेरी तरफ से जाकर ढंडोरा पिटवा दो। निजा नगर में सरकार जी एक अस्पताल खुलवा रहे हैं, जिसमें सबका इलाज मुफ्त होगा। दूसरा वार्ड में ले जाओ, इधर जगह नहीं है। जब तक ये नाला है तब तक ये बीमारी है, जब तक ये बीमारी है हम अस्पताल के मोहताज रहेंगे। और ये अस्पताल चल रहा है उन इमारतों की आमदनी से जो नाला हटाकर बनी है। ये ऐसी चाल चली है सरकार जी ने कि हम खुद अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारने पर मजबूर हैं। अब क्या किया जाए? अगर इस रोग का हमला सख्त ना हो तो मरीज की सेवा करके उसे बचाया जा सकता है, लेकिन अगर मर्द एक बार खतरनाक शक्ल इख्तियार कर ले तो उसका इलाज मेरे पास नहीं। हम सिर्फ इतना कर सकते हैं कि एक सेवा घर बनाएं जहां मरीजों की सेवा की जाए। लेकिन उनका इलाज? इलाज सिर्फ अस्पताल में हो सकता है। है वो क्या? मर जाओ पर अस्पताल न जाओ। ये कैसे हो सकता है याकूब चाचा? बीमारी इस कदर फैली जा रही है तो आप जानती हैं। हमारे सेवा घर में कोई नहीं आएगा। जब हम इस रोग का इलाज नहीं कर सकते तो लोगों को कहेंगे किस जबान से कि अस्पताल न जाओ। अपनी कुर्बानियों की जबान से खुद अस्पताल न जाकर मैं समझता हूं ये ठीक है। पहल मैं करता हूं, मुझे दो रोज से बुखार है। बलराज, बुखार है, आराम कीजिए ना, घर से आइए ना। बलराज, तुम्हें घर जाकर आराम करना चाहिए। चाचा इसे कहो घर जाके आराम करे, हम सब काम संभाल लेंगे। मैं अस्पताल में रहूंगी। डॉक्टर निकालेगा तो जबरदस्ती रहूंगी। अरे इतना शोर न मचाओ, बच्ची बीमार है उसका तो ख्याल करो। बलराज, भगवान के लिए अपनी भाभी को समझाओ। शीला को बुखार हो गया? हाँ, मैं कह रही हूँ कि शीला अस्पताल जाएगी और मैं इसके साथ वहीं रहूंगी। क्यों बेटी? भाई साहब, हम लोगों ने तय किया है कि अस्पताल का बाइकाट करेंगे। क्यों? क्यों? क्योंकि ये अस्पताल और नाला एक ही चीज है। बस बलराज, ये अपनी बातें अपने ही तक रहने दो, बच्चे की जान के पीछे ना पड़ो। भाभी, शीला मेरी भी तो बच्ची है। शीला अस्पताल जाएगी, जाएगी हजार बार जाएगी। तुम्हारा नाला चाहे जाए चाहे रहे, मैं इसे मरने ना दूंगी। बैठे जरा हाथ क्यों नहीं लगाते मेरी बच्ची? भाई साहब, ये कोई छोटी बात नहीं है। अगर आप शीला को अस्पताल भेज रहे हैं तो फिर ये घर मेरा नहीं। मैं तुम्हारे इन पागलपन की बातों में न कभी शरीक हुआ हूं ना हूंगा। जो आपकी मर्जी। रूपा, तुम कहां जा रही हो? रूपा? हाँ? तुम अभी तक सोई नहीं? नहीं भैया।
कल की रोटी का इंतजाम कर रही हूँ। कुर्बानी का सबक औरत ही सिखा सकती है। ये क्या भैया? ये यही सिगरेट बंद। ठहरो। सोना को बुखार हो गया है, आप इसे अस्पताल ले जा रहे हैं? आप तो हमारी तरफ के थे, इसे हमारे पास भेज दीजिए, मैं इसकी सेवा करूंगी। सोना आएगी मेरे पास, ले जाऊं? आओ रजा, सेवा घर में और मरीज आए? थोड़े से आएंगे, उनके ताल में ज्यादा जा रहे हैं। क्या किया जाए? आहिस्ता आहिस्ता समझ जाएंगे, घबराओ मत। भैया मैं मरीजों के लिए खाना ले जा रही हूँ, तुम्हारे लिए थाली में रखा है, खा जरूर लेना, नहीं तो मैं नहीं बोलूंगी। आप रजा, तुमने खा लिया? हाँ खा लिया। क्या चीज लाई? आज बहन मुझे किस चीज पका के लाई है? क्या लाई? खिचड़ी। क्या बात? हम खिचड़ी नहीं खाएंगे, हम रोटी खाएंगे और धनिया की चटनी। हम धनिया की चटनी नहीं खाएंगे। तुम्हारा बुखार अभी नहीं टूटा, तुम्हारे लिए इससे भी अच्छी चीज लाऊंगी। कब? कल जरूर लाऊंगी। बाकी मरीजों को खिचड़ी ना दो, याकूब चाचा ने कहा था। रूपा दीदी, सोना बड़ी देर से रो रही है। सोना जाग इंडिया को ऐसे मत
कब अकल आएगी? बड़े बेरहम, इसने दुख सुख में तुम्हारा साथ दिया, कुछ तो ख्याल करो। इसे अस्पताल भेज दो। अस्पताल भेज दो बलराज, इस रोग का वहीं इलाज हो सकता है। इसकी हालत तो देखो। आखिर मेरी भी तो बहन है। एक बार तो अपने बड़े भाई का कहना मान लो बलराज, छोटी बहन का ही ख्याल करो, इसकी जान खतरे में है। याकूब चाचा, तुम अच्छी हो जाओगी रूपी। घबराओ नहीं, अब तुम्हें अस्पताल ले जा रहे हैं। मुझे अस्पताल ले जाओ।
जो अस्पताल का दुश्मन है वो हम सबका जानी दुश्मन है। हर तरफ रोग फैल रहा है, हर घर में मरीज मौजूद हैं, और बलराज कहता है इलाज न करो, इलाज न करें तो मर जाएं। वो कहता है हमें मर जाओ। वाह भाई, कोई अपने पालू जानवर को भी तो यूं ना कहेगा। वो हम लोगों को जानवर से भी बदतर समझता है। हर एक से कहता फिरता है कि तुम अस्पताल न जाओ, अपने बीवी और बच्चों को अस्पताल न भेजो, अपने अजीजों और दोस्तों को अस्पताल न जाने दो। और खुद धर्मात्मा जी क्या करते हैं आप न जानते होंगे, क्या करते हैं। उनकी अपनी भतीजी बीमार पड़ी और अच्छी हो गई, किसके इलाज से? इसी अस्पताल के इलाज से। अपनी भतीजी को चुपके से अस्पताल भिजवा दिया। ये है बलराज धर्मात्मा का धर्म। बैठ जाओ। अब बताइए कि नीचा नगर में जो मौतें हुई हैं उनका पाप किसके सर है? अगर बलराज जी सच्चे थे तो अपनी भतीजी को मर जाने देते? आप में से जो लोग हर वक्त बलराज बलराज करते रहते हैं, उन्हें चाहिए कि अभी चलकर उससे पूछें कि तुमने क्या कुर्बानी की है। सागर झूठ बोल रहा है, इस जगहबाज की बातों में मत आओ। इतनी गद्दारी की है तुम बदमाश, तुमने गद्दार हो तुम। बलराज ने हमसे धोखा किया है, चलो अभी उससे पूछो। कौन है? छोड़ मुझे, चल इधर, अभी पता लग जाएगा। अबे चल पाजी, बदमाश चलता है। अस्पताल का बाइकाट कराओगे? हाँ कराऊंगा। गुंडे बाइकाट कराओगे? चल अकेले को मारते हो? तुझे बता बदमाश कम दो, बाइकाट कराएगा? हाँ मैं तुम्हारी खाल लोच लूंगा। चल अस्पताल का बाइकाट कराएगा? कराऊंगा। बदमाश पार्टी के एक आदमी की हड्डियां नोचेंगे। डराते हो? बदमाश, नमक हराम। ज्यादा को पानी भाई, कब खिलाओगे? सुअर से। अपनी भतीजी को अस्पताल ले गए थे, मेरी बच्ची को नहीं जाने दिया, तुमने मेरी बच्ची की जान ली। क्या बात? हम ये पूछ रहे हैं कि तुमने हमारे बच्चों को अस्पताल नहीं जाने दिया और उनकी जाने भेंट हो गई, तो ये बताओ तुमने अपनी बच्ची को अस्पताल क्यों भेजा? और उसे कुर्बानी दिलवाना सीखो। तुमने क्या कुर्बानी दी है बोलो, जवाब क्यों नहीं देते? और रूपा ने क्या कुर्बानी दी है? Thank you.
होश में आओ, अब जवाब दे, अब जवाब दे। बेटे, मरने वाली का तो ख्याल सब पर बलिदान हो गई, मर गई पर अस्पताल नहीं गई। हम लोगों पर जुल्म हो रहा है, मर गई पर अस्पताल नहीं गई। मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी नीचा नगर के नीच लोगों में अकेली जाए। तुम ये भी जानती हो कि वो आजकल शरारत पर आमादा है। तुम्हें अपनी पोजीशन का ख्याल करना चाहिए। बेचारी रूपा ने अपनी जान दे दी। मेरा फर्ज था कि मैं शुरू ही से खुद जाकर हर बात की देखभाल करती, लेकिन आप हमेशा मुझे वहां जाने से रोकते रहे। मैं तुम्हें हरगिज वहां नहीं जाने। बेचारी रूपा। रूपा जिंदा है, हम में से हर शख्स के दिल में जिंदा है। वो इस इरादे समेत जिंदा है कि मर जाओ पर अस्पताल न जाओ। कुर्बानी की मार समुद्रों और पहाड़ों को पार कर जाती है, बरसों और सदियों को चीर कर आगे का मैदान जीत लेती है। पत्थर के दिलों में भी इसकी नर्म धार उतर जाती है। ना इसे सोने की दीवारें रोक सकती हैं, न जुल्म की फौजें। अगर तुम अपने भाइयों को तबाही से बचाना चाहते हो, अगर तुम अपने पोतों पर पोतों और तमाम आने वाली नस्लों को जुल्म से बचाना चाहते हो, तो तन मन धन की कुर्बानी करो। रूपा की बताई राह पर चलो। मर जाओ पर अस्पताल न जाओ, मर जाओ पर अस्पताल न जाओ। अगर रूपा बहन जान दे गई तो हम भी दे सकते हैं। अगर रूपा बहन जान दे गई तो हम भी जान दे सकते हैं। किधर ले जाता? चुप, बच्चे को वापस रखना। खबरदार। डॉक्टर,
कैसी बात है? क्या करता है? डॉक्टर को बोलेगा, जरूर बोलेगा, बड़ी सरकार से भी बोलेगा। मरीज को अभी आराम नहीं आया है, तुम अस्पताल छोड़ेगा मर जाएगा। नर्स, एक लड़की थी रूपा, उसने हमें मरना सिखा दिया है, लेकिन शायद ये बात तुम्हारी समझ से बाहर हो। अरे भाई, नीचा नगर से खबर आई है कि अस्पताल का पूरा बायकॉट हो गया है। अच्छा, ये तो बहुत ही अच्छा हुआ। ये तो बड़ी उम्दा खबर सुनाई आपने। मैं तो पहले ही कहता था कि नाला नीचा नगर से हरगिज नहीं निकलना चाहिए। अफसोस यह है कि हम ऊंचे नगर वालों ने उनकी कोई मदद नहीं की। यही है सरकार की बेटी। अच्छा, यह है, इसने नीचा नगर वालों की जरा भी मदद नहीं की, हालांकि इसका फर्ज था। तुम लोग क्या चाहते हो? बोलते क्यों? क्या बात है? ये क्या है? ये मेंबरों की दरखास्त है। दरखास्त? हम चाहते हैं कि नाला जिस तरफ पहले बहता था फिर उसी तरफ लौटा दिया जाए। फिर उसी तरफ लौटा दिया जाए? कल रात 10 बजे जलसा है। जलसा? उसमें ये मामला बहस के लिए पेश किया जाएगा। बहस? वेटर। एक, दो, तीन, चार, पांच। इतने दस्तखत? तो ये बात है। अब बहुत अच्छा, तो तुम दस्तखत लेकर आए हो मेरे पास? तुम दस्तखत नहीं, ऐलान जंग लेकर आए हो मेरे पास, मेरे इरादों को शिकस्त देने के लिए। तुम मेरे दस्तरखान के टुकड़ों पर पले हुए कुत्ते। तुम अब तुम्हें ये जुरत हुई कि उल्टा तुम मुझ पर गुर्राते हो? वेट सर, चिकन सैंडविच और कॉफी जल्दी। भाई अब मैं यहां नहीं बैठ सकता। ये तुम एडिटर लोगों की कारगुजारी, अब तुम भी परपुर्जे निकालने लगे हो। तुम्हारी हकीकत क्या थी? कोई तुम्हें कौड़ी को ना पूछता था। मैंने तुम्हें कीचड़ से उठाकर आसमान पर रख दिया। दुनिया में तुम्हारा चर्चा होने लगा। ये सब मेरे पैसे का खेल है, और अब तुम मेरे कारोबार में पख निकालते, मुझ पर नुक्ताचीनी करते हो। नीचा नगर पर जुल्म हो रहा है, नाले से बीमारियां फैल रही, नाले का मसला फिर से बहस के लिए पेश। बहस? तुम्हारी ये जुरात मेरी तहलीज के अदना भिखारी। मैं तुमसे बात कर रहा हूं, जवाब क्यों नहीं देते? तुम्हारी जबानों पर ताले पड़ गए। दारिन सरकार। तुम सब दगाबाज और नमक हराम। सबसे बड़ा नमक हराम वो सागर है जो 10 दिन से गायब है। इस धोखे में ना रहना कि मैं यहां तुम्हारे बल पर हुकूमत करता हूं। मैंने तुम्हें बनाया है, मैं तुम्हें मिटा भी सकता हूं। मेरे आगे तुम्हारी हकीकत क्या है? सरकार, 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 सरकार।
तुझी है सरकार की बेटी, तू ही रूपा को खा गई है। डायन हाय 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 हाय। सुना तूने लोग क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं अपने बाप से कि गुस्सा की भी हद हो गई है। जी मैं क्या करता, दस्तखत न करता तो। नौकर छोड़कर चले गए, धोबी ने कपड़े धोने बंद कर दिए। लोगों ने सरे बाजार मेरे अखबार के काफियों को आग लगा दी। नीचा नगर के खातिर भाई बंदों ने बायकॉट कर रखा है। नीचा नगर की खातिर यह मसला हमें पेश करना ही पड़ेगा। नीचा नगर की खातिर? नीचा नगर, तुम्हें इस म्यूनिसिपैलिटी का मेंबर किसने बनाया? नीचा नगर वालों ने। तुम्हें भूख नंग से निकालकर यह रुतबा किसने दिया? नीचा नगर वालों ने। तुम्हारा नीचा नगर वालों से वास्ता क्या है? तुम तो मेरे सोने की तारों पर नाचने वाली कठपुतलियां हो। मैं अन्नदाता हूं तुम्हारा। तुम्हारा सबसे पहला फर्ज मेरी फरमाबरदारी, मेरे एहसान, मेरी मुरब्बत का ये बदला देते हो? आए हैं नीचा नगर के हिमायती बनकर। गद्दार कुत्ते, नमक हराम। पिताजी, अब हम यहाँ नहीं रह सकते, लोग हमसे नफरत करते हैं। नफरत? तो तुम उनसे नफरत करो। एक दिन यही लोग आकर हमारे पांव की धूल का टीका माथे पर लगाए। मुझसे ये नफरत बर्दाश्त नहीं होती। बेटे, तशरीफ ले जाइए। कल रात को 10 बजे पिताजी, पिताजी। बेटी, आपको मेरी बात से दुख हुआ? हाँ, रंज हुआ के सरकार की बेटी इतनी कमजोर साबित। चलिए कहीं और चल बसे, कहीं भी। ये बुजदिली होगी, ये नफरत अब बर्दाश्त नहीं होती। कल म्यूनिसिपैलिटी में बस है बस। अगर ये नाला वापस लाया गया तो इन इमारतों का क्या होगा जो मैं वहां बना चुका हूं, जो अभी बनाई जा रही है। लोग कहते हैं कि मैं डाइन हूं, कि मैं रूपा को खा गई हूं। इतनी बड़ी रकम जो मैं वहां खर्च कर चुका हूं। बेचारा बलराज, उसे रूपा से बहुत प्यार था। इतना कर्ज जो मैं ले चुका हूं, ये कर्ज या बस्ती यहां बनेगी या उम्र जेल में कटेगी। ए
ये नाला हरगिज वापस यहां नहीं लाया जाएगा। अभी कुछ मेंबर मेरे साथ है। बेचारा बलराज, दस बजे म्युनिसिपैलिटी का जलसा शुरू हो जाए तो होने दीजिए। मैं बलराज को खत्म कर नहीं।
अपनी मजबूरियों और कमजोरियों के लिए मुआफी मांगने आई हूँ। तुम्हारा खत, किसी किस्म की तकलीफ हो तो हाजिर। ये कहने आई हूँ कि जो कुछ तुम कर रहे हो ठीक है, और भीख मांगने आई हूँ। भीख मुझसे? अगर मैं कोई सेवा कर सकता हूँ तो। पिताजी की जिंदगी खतरे में है। माया देवी, हम लोग अहिंसा के कायल हैं। हमें दुश्मनी आपके पिताजी से नहीं, उनकी स्कीमों से। अगर आज नाले का मसला म्यूनिसिपैलिटी में पेश हो गया तो पिताजी। सरकार जी हर शख्स की कीमत जानते हैं, शायद उन्हीं ने तुम्हें। बलराज, तुम कॉलेज के दिन भूल गए? कॉलेज के दिन ये याद है? अनुसार की जरूरत हो तो मुझे मत भूल। मशाल की याद और कुछ याद नहीं। मुझे मालूम ना था कि तुम इतने झूठे और खुदगर्ज हो। अगर आप इन जुलूस वालों से पूछें ये जुलूस क्यों निकाला है तो एक आदमी भी सही जवाब नहीं दे सकेगा। ये सब भेद चाल है। बात दरअसल ये है कि इनके लीडर बलराज की सरकार जी से दुश्मनी है, क्योंकि इसके दोस्त सागर को नीचा नगर का दारोगा सफाई बना दिया गया था और इसे कोई रुतबा नहीं दिया गया था। इसने अपना मतलब निकालने की खातिर झूठा प्रोपेगेंडा करके इन भेड़ों को उकसाया है। मेरे दोस्त करमचंद ने आपको बता दिया है कि नहर का पानी कैसा है। यहाँ धोबी कपड़े धोते हैं, चरवाहे मवेशियों को पानी पिलाते हैं, किसान खेतों को देते हैं। आपका फर्ज है कि अपना वोट नीचा नगर वालों को ना दें। पानी बेहद गंदा है, काला काला जैसे कोयला।
ये देखिए। कड़ुआ है, बदबूदार। ये है वो नहर जिसे नीचा नगर वाले नाला नाला कहकर बदनाम करते हैं। हजरात, मेरा ख्याल है तकरीरें बहुत हो चुकी, अब मैं चाहता हूँ कि इस तजवीज पर वोट ले लिया जाए। मुझे भी कुछ कहना है। मैं सिर्फ ये बताने आई हूँ कि नाले का पानी कैसा है। बिटिया, मगर आप इस गंदे नाले में गोता लगाने गई क्यों थी? बिटिया, मैं अपने मंगेतर मिलने गई थी। बिटिया, सद साहब कृपा करके इस तजवीज पर वोट ले लीजिए। वोट ना। बेटी लो, बेटी ये ओढ़ लो, नीचा नगर वाले तुमसे मिलने आए। पिताजी कहाँ हैं? घर चले गए होंगे, बलराज तुम्हें छोड़ आएगा। हाँ जी, नीचा नगर वालों से मिल ले। Thank you.
समझा हो। रुकेंगे ये।